उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 50,000 के इनामी बावरिया गैंग के दो बदमाशों के साथ थाना डिबाइक पुलिस की अलीगढ़ अनूपशहर मार्ग पर मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि पुलिस से हुई मुठभेड़ में इनामी बदमाश कप्तान उर्फ मंगल उर्फ बजा पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया और दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर फरार हो गया। वहीं मुठभेड़ के दौरान पुलिस का एक सिपाही प्रदीप कुमार भी घायल हो गया। मुठभेड़ में गिरफ्तार होने वाला डकैत कप्तान बहुत ही शातिर किस्म का बताया जा रहा है। पुलिस ने बदमाश से एक तमंचा, दो जिंदा और दो खूंखार कारतूस और एक बाइक बरामद की है। बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ उदय यादव की रिपोर्ट। डिबाई जनपद बुलंदशहर में बीती रात पुलिस एनकाउंटर के दौरान एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम कप्तान उर्फ मंगल है, जो मूल रूप से जनपद मुरैना मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जो वर्ष 2014 से ही डकैती के कई मुकदमों में लगातार वांछित चल रहा था, जो एक बावरिया गिरोह का सक्रिय सदस्य भी है, जिसके ऊपर पूर्व में 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। बीती रात डिबाई पुलिस द्वारा अनूपशहर अलीगढ़ मार्ग पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी।